क्या हुआ जब हनुमान जी करने लगे भगवान शंकर से युद्ध? क्यों पछताने लगे थे हनुमान जी लंका को जलाकर? क्या सच में भगवान राम से भी बड़ा उनका नाम है? क्या मंदोदरी ने मरवाया था रावण को? किसने भुला दी थी हनुमान जी को उनकी शक्तियां? क्या हुआ जब राम जी ने सीता जी के मरने की खबर सुनी? क्या रामायण काल में मोबाइल और वायुयान हुआ करते थे? एक राक्षस ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को भी बंदी बना लिया था। रावण ने सीता जी को क्यों नहीं छुआ था? भगवान राम जिस वन में रहते थे आखिर वह कैसा था? ऐसे ही रामायण के 10 रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, जिन्हें टीवी सीरियल वालों ने कभी नहीं दिखाया है, जिन्हें जानकर आप चौंकने वाले हो। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सच्चे सनातनी एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, क्या हुआ जब हनुमान जी का शिव जी से युद्ध हुआ? त्रेता युग में राम और रावण के युद्ध के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौट आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, जिसके पीछे यज्ञ करता राजा की सेना होती थी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व के चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अश्व खो जाता था तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः आरंभ की जाती थी। जिस तरह एक बार लव और कुश ने अश्वमेघ के अश्व को रोककर श्री राम को चुनौती दी थी और तब हनुमान जी को युद्ध के लिए भेजा था। लव और कुश से युद्ध के दौरान हनुमान जी समझ गए कि वे कौन हैं, तो उन्होंने खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया था। तब बाद में लक्ष्मण आदि युद्ध करने गए और परास्त हो गए तो अंत में श्री राम आए थे। उसी प्रकार जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा तो शिव भक्त राजा बीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने श्री राम के घोड़े को रोककर उसे बंदी बना लिया। अब देवपुर और अयोध्या की सेना में युद्ध तो होना ही था। बीरमणि ने सुना कि श्री राम के अनुज शत्रुघ्न की वाहिनी युद्ध के लिए बढ़ती चली आ रही है। तब उन्होंने सशस्त्र सेना तैयार करने के लिए अपने प्रबल पराक्रमी सेनापति रिपुवार को आदेश दे दिया। फिर स्वयं शिव भक्त राजा बीरमणि भाई बीर सिंह भांजे बन मित्र तथा राजकुमार रुक्मांगद के साथ युद्ध के लिए रणभूमि में पहुंच गया। भीषण युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने सभी को पराजित कर दिया। अंत में बीरमणि को हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। शिव भक्त बीरमणि को शिवजी ने वरदान दिया था कि जब भी संकट आएगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसलिए भगवान शिव अपने गणों के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। गणों ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया। वीरभद्र ने शत्रुघ्न के पुत्र पुष्कल का सिर काट दिया और शिवजी ने शत्रुघ्न को घायल कर दिया। हनुमान जी ने दोनों को रथ में रखा और सुरक्षित किया। फिर हनुमान जी सेना का मनोबल बढ़ाते हुए गर्जना करके आगे बढ़े और शिवजी के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर दोनों में भयंकर और प्रलयकारी युद्ध हुआ। चूंकि हनुमान जी रुद्र अवतार थे और उन्हें सभी देवी देवताओं ने वरदान दे रखा था कि कोई अस्त्र शस्त्र से तुम बंध नहीं सकते हो और ना ही पराजित हो सकते हो, इस कारण भगवान शंकर और हनुमान जी में प्रलयकारी युद्ध हुआ। दोनों ओर से हर तरह के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किए जाने लगा। हनुमान जी के पास शिव जी के हर दिव्यास्त्र का तोड़ था। युद्ध भयानक से भयानक होता जा रहा था। यह देखकर भगवान राम वहां प्रकट हुए और श्री राम जी ने हनुमान जी को समझाया कि आप किससे युद्ध कर रहे हो, शिव ही राम है और राम ही शिव है। यह सुनकर हनुमान जी को शिव में ही राम का रूप नजर आने लगा। यह देखकर वे अपना युद्ध रोककर भगवान शिव और राम के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हनुमान जी के पराक्रम को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए
और हनुमान जी को मनचाहा वर मांगने को कहा। इस प्रकार इस युद्ध का अंत हुआ। इस युद्ध में श्री राम और भगवान शंकर की ही लीला थी। इस युद्ध में भगवान शंकर हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। नंबर 2, आखिर हनुमान जी ने लंका को क्यों जलाया? रहस्य जानकर आप चौंक जाएंगे। हनुमान जी के बारे में जितना लिखा या कहा जाए वह कम ही है। जब हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर लंका में प्रवेश किया तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। जैसे विशालकाय समुद्र को पार करते वक्त राक्षसी सुरसा के मुख में से होकर निकलना, फिर लंका के चारों ओर बने सोने के परकोटे को फांदने के बाद लंकिनी नाम की एक राक्षसी को मार देने आदि। लंकिनी को मारने के बाद रावण तक यह खबर पहुंच जाती है कि कोई बानर महल में प्रवेश कर गया है। इसके बाद महल में हनुमान जी विभीषण को राम भक्त जानकर उनसे मुलाकात करते हैं। फिर अक्षय वाटिका में प्रवेश कर माता सीता को राम की दी हुई अंगूठी देते हैं। इसके बाद वे अशोक वाटिका का विध्वंस कर देते हैं। इस खबर के फैलने के बाद मेघनाथ का पुत्र अक्षय कुमार उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन हनुमान जी उसका वध कर देते हैं। यह खबर लगते ही लंका में हाहाकार मच जाता है। तब स्वयं मेघनाथ ही हनुमान जी को पकड़ने के लिए आता है। मेघनाथ हनुमान जी पर कई तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तब अंत में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। तब हनुमान जी मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखकर वृक्ष से गिर पड़ते हैं। फिर मेघनाथ उन्हें नागपास में बांधकर रावण की सभा में ले जाता है। वहां हनुमान जी हाथ जोड़कर रावण को समझाते हैं कि तू जो कर रहा है वह सही नहीं है, प्रभु श्री राम की शरण में आ जा। हर तरह से हनुमान जी रावण को शिक्षा देते हैं, लेकिन रावण कहता है कि रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, ये तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। यह सुनकर रावण और कुपित हो जाता है और कहता है कि मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। तब हनुमान जी को पकड़कर सभी राक्षस उनकी पूंछ को कपड़े से लपेटने लगते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो सभी देखते रह जाते हैं। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल ही नहीं बचा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी उड़ाते हैं। अंत में उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तब बंधन से निकलकर हनुमान जी सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। तब वे अपनी जलती हुई पूंछ से दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर उनमें आग लगाने लगे। देखते ही देखते नगर जलने लगता है और चारों ओर अफरा तफरी व चीख पुकार मच जाती है। लंका दहन का दूसरा कारण पुराणों में माना जाता है कि दरअसल हनुमान जी शिव अवतार हैं। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर के सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव जी के पास गया और उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान में दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया था, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा।
तब उसने शिव जी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित माँ पार्वती को ले जाने लगा तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। तब माता पार्वती अप्रसन्न हो गईं, तो शिव ने अपनी गलती को मानते हुए माँ पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में वानर के रूप में मैं हनुमान का अवतार लूंगा, उस समय तुम मेरी पूंछ बन जाना। जब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका में जाऊंगा तो तुम पूंछ के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। यही प्रसंग भी शिव जी के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। नंबर 3, कलयुग में क्यों है राम का नाम श्री राम से भी बड़ा। राम नाम के इन दो अक्षरों में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, परंतु राम नाम का जप ही लोगों को भवसागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है दो अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने हैं। इस नाम की ही महिमा है कि जिसे सभी देवी और देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनके नाम का जप करती हैं। जिनके सेवार्थ श्री शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम का ही नाम जपते रहते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम का नाम लिखना बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही ये भक्तों को समस्त प्रकार के दैहिक, दैविक एवं भौतिक तापों से मुक्ति प्रदान करता है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए, अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से जपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया था। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं, यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूँ समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मन की बात को जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आप स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कौन बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जाप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। सबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उनको स्वयं मिलने के लिए कुटिया में आना पड़ा। राम का नाम ही सत्य है। नंबर 4, रावण की मृत्यु की यह वजह आपको हैरान कर देगी। बहुत से लोगों को पता होगा कि सिर्फ सीता के अपहरण के कारण ही राम के हाथों रावण की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसके पीछे पौराणिक कारण कुछ और भी है। आइए जानते हैं। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव से वरदान और शक्तिशाली खड्ग पाने के बाद अहंकारी रावण और भी अधिक अहंकार से भर गया था। वह पृथ्वी से भ्रमण करता हुआ
हिमालय के घने जंगलों में जा पहुंचा। वहां उसने एक रूपवती कन्या को तपस्या में लीन देखा। कन्या के रूप रंग के आगे रावण का राक्षसी रूप जाग उठा और उसने उस कन्या की तपस्या भंग करते हुए उसका परिचय जानना चाहा। काम वासना से भरे रावण के अचंभित करने वाले प्रश्नों को सुनकर उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए रावण से कहा कि हे राक्षस राज, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिता की इच्छा थी कि समस्त देवताओं के स्वामी श्री विष्णु ही मेरे पति बने। मेरे पिता की उस इच्छा से क्रुद्ध होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय मेरे पिता की हत्या कर दी और मेरी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस तपस्या को कर रही हूँ। इतना कहने के बाद उस सुंदरी ने रावण को यह भी कह दिया कि मैं अपने तप के बल पर आपकी गलत इच्छा को जान गई हूँ। इतना सुनते ही रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से उस कन्या के बाल पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर अपने अपमान की पीड़ा की वजह से उस कन्या ने दशानन को यह श्राप देते हुए अग्नि में समा गई कि मैं तुम्हारे पद के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। महान ग्रंथों में शामिल दुर्लभ रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि दूसरे जन्म में वही तपस्वी कन्या एक सुंदर कमल से उत्पन्न हुई और जिसकी संपूर्ण काया कमल के समान थी। इस जन्म में भी रावण ने फिर से उस कन्या को अपने बल के दम पर प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को लेकर वह अपने महल में जा पहुंचा, जहां ज्योतिषियों ने उस कन्या को देखकर रावण को यह कह दिया कि यह कन्या इस महल में रही तो अवश्य ही आपकी मौत का कारण बनेगी। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया। तब वह कन्या पृथ्वी पर पहुंचकर राजा जनक के हल जोते जाने पर उनकी पुत्री बनकर फिर से प्रकट हुई। शास्त्रों के अनुसार कन्या का यही रूप सीता बनकर रामायण में रावण के वध का कारण बनी। नंबर 5, हनुमान जी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे? श्री सीता हरण के बाद हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ। हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव, जामवंत आदि वानर यूथों से मिलाया। फिर जब लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया गया तो श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया, परंतु हनुमान जी ने लंका जाने में अपनी असमर्थता जताई। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई, परंतु सवाल यह है कि हनुमान जी अपनी शक्ति क्यों भूल गए थे? सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र शस्त्र के कारण बचपन में हनुमान जी ऊधम मचाने लगे थे। खासकर वे ऋषियों के बगीचे में घुसकर फल फूल खाते थे और बगीचा उजाड़ देते थे। वे तपस्यारत मुनियों को तंग करते थे। उनकी शरारतें बढ़ती गईं तो मुनियों ने उनकी शिकायत उनके पिता केसरी से की। माता पिता ने खूब समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, परंतु हनुमान जी शरारत करने से नहीं रुके। तो एक दिन अंगीरा और भृगुवंश के ऋषियों ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियों और बल को भूल जाएंगे, परंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो याद आ जाएंगी। फिर जब हनुमान जी को श्री राम का कार्य करना था तो जामवंत जी का हनुमान जी के साथ लंबा संवाद होता है। इस संवाद में वे हनुमान जी के गुणों का बखान करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। नंबर 6, सीता के मरने की खबर सुनकर अचेत हो गए थे श्री राम। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावी सीता को अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना आरंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया।
बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसने उसके दो टुकड़े कर दिए। कुछ जगह पर उसका सिर काटने का उल्लेख मिलता है। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वो तो मारी गई, अब युद्ध करने का क्या फायदा। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। मायावी सीता को मरा जानकर हनुमान जी की आज्ञा से वानरों ने युद्ध बंद कर दिया। इसी बीच मेघनाथ नीकुंभला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। इस हवन से उसमें और भी तरह की शक्तियां आने वाली थीं। उधर कहते हैं कि जब यह समाचार राम ने सुना तो वे अचेत जैसे हो गए और लक्ष्मण भी क्रुद्ध हो गए। लेकिन विभीषण ने सभी को अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है, आप निश्चिंत रहिए। फिर विभीषण ने राम और लक्ष्मण को मेघनाथ की मायावी शक्ति के साथ यह भी बताया था कि ब्रह्मा ने अनेक वर देते हुए उससे यह भी कहा था कि यदि तुम्हारा कोई शत्रु नीकुंभला में तुम्हारे यज्ञ समाप्त करने से पूर्व युद्ध करेगा तो तुम मार डाले जाओगे। विभीषण ने बताया कि यही वक्त है मेघनाथ को मारने का। यह सुनकर लक्ष्मण जी सेना के साथ में मेघनाथ के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। जब मेघनाथ आया तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध के बाद लक्ष्मण ने उसके घोड़े और सारथी को मार डाला। मेघनाथ लंकापुरी गया तथा दूसरा रथ लेकर फिर युद्ध कामना के साथ लौटा। दोनों का युद्ध पुनः आरंभ हुआ। अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर डाला। बाल रामायण की एक कथा के अनुसार जब भगवान राम के सेतु बंध बनाकर युद्ध की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गईं, तब रावण ने अपनी माया से एक समय सीता के सिर को राम एवं हनुमान जी के सामने ही देखते ही देखते काटकर फेंक दिया। यह देखकर राम विभीषण को धिक्कारने लगे कि मेरा समुद्र को लांघना, उस पर पुल बंधवाना निरर्थक हो गया। लक्ष्मण भी क्रुद्ध होकर करने लगे कि हे रावण, तुम्हारे इस कृत्य के बदले हम अपने शोक को तुम्हारी स्त्रियों के आंसुओं से सुखाएंगे। इसी के बीच में लक्ष्मण जी देखते हैं कि सीता का कटा सिर भली भांति बोल रहा है। तब वह समझ जाते हैं कि ये रावण की कोई माया है। नंबर 7, क्या रामायण काल में भी होते थे मोबाइल? आपको यह सुनकर संभवतः विश्वास न हो, लेकिन इस पर विचार किए जाने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल भारत के लोगों ने दूसरों के कहने पर अपने इतिहास को मिथक ही मान लिया है, उस पर कभी बृहत्तर रूप में शोध नहीं किया। प्राचीन इतिहास के प्रमाण कभी नहीं ढूंढे गए। आज़ादी के बाद तो देश को धूल मिट्टी में मिला दिया गया। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लंका में दूर संचार यंत्रों का निर्माण होता था, जिसे आजकल दूरभाष या टेलीफोन कहते हैं, अब तो मोबाइल है। तो क्या रामायण काल में भी मोबाइल होते थे? माना जाता है कि दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। जब इससे वार्ता की जाती थी तो वार्ता से पूर्व इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनि प्रकट होती थी। संभवतः इसी ध्वनि प्रस्फुटन के कारण इस यंत्र का नाम मधुमक्खी किया गया होगा। ये यंत्र राज परिवार के लोगों के पास रहते थे और इसके बल पर वे दूर से दूर बैठे लोगों से बात कर लेते थे। ये बेतार प्रणाली थी। सोधा अनुसार विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया था। तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाती को भी राम की शरण में ले गया था। राम की हित पूर्ति के लिए रावण के विरुद्ध इन यंत्रों का उपयोग भी किया गया था। लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे, जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। संभवतः ये त्रिशूल वायरलेस ही होंगे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था, जो अंधकार में प्रकाश का आभास प्रकट कराता था। लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए रावण के पास भस्म लोचन जैसा वैज्ञानिक था, जिसने एक विशाल दर्पण यंत्र का निर्माण किया था। इससे प्रकाश पुंज वायुयान पर छोड़ने से यान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते वक्त
विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आया था। इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के यानों की ओर प्रकाश पुंज फेंका, जिससे लंका की यान शक्ति नष्ट होती चली गई। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था, जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है, लेकिन यह यंत्र त्रिकाल दृष्टा नहीं बल्कि दूरदर्शन जैसा कोई यंत्र था। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। नंबर 8, कौन था अहिरावण जिसने राम लक्ष्मण को बंदी बना लिया था? अहिरावण एक असुर था। अहिरावण पाताल में स्थित रावण का मित्र था, जिसने युद्ध के दौरान रावण के कहने से आकाश मार्ग से राम के शिविर में उतरकर राम लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए विभीषण के भेष में राम के शिविर में घुसकर अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। वहां उनकी भेंट उनके ही पुत्र मकरध्वज से हुई। उनको मकरध्वज के साथ लड़ाई लड़ना पड़ी, क्योंकि मकरध्वज अहिरावण का द्वारपाल था। मकरध्वज ने कहा कि अहिरावण का अंत करना है तो इन 5 दीपकों को एक ही समय में एक साथ बुझाना होगा। ये रहस्य ज्ञात होते ही हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया। उत्तर दिशा में वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंहमुख, पश्चिम में गरुणमुख, आकाश की ओर है ग्रीवमुख एवं पूर्व दिशा में हनुमानमुख। इन 5 मुखों को धारण कर उन्होंने एक साथ सारे दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। नंबर 9, रावण ने सीता जी को क्यों नहीं छुआ था? भगवान राम की अर्धांगिनी माँ सीता का पंचवटी के पास लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक अपनी कैद में रखा था, लेकिन इस कैद के दौरान रावण ने माता सीता को छुआ नहीं था। ऐसा क्या कारण था कि रावण ने सीता माता को छुआ तक नहीं? क्या माता सीता में सतीत्व की शक्ति थी, या कि रावण डरता था भगवान राम से? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने कोई वचन धारण कर रखा हो, या वह किसी साप से बंधा हो? रावण जब सीता जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम बा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त कराने को 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता जी को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन यह धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता जी के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। राम के भाई लक्ष्मण ने रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काट दी। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित सुपर्णखा ने अपने भाई रावण को अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपने मामा मरीच के साथ मिलकर सीता के अपहरण की योजना रखी। इसके अनुसार मरीच ने सोने के हिरण का रूप धारण करके राम व लक्ष्मण को वन में ले जाने और उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा सीता का अपहरण करने की योजना थी। इस पर जब राम हिरण के पीछे वन में चले गए तब लक्ष्मण सीता के पास थे, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी जब राम नहीं आए तो सीता माता को चिंता होने लगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को भेजा।
राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता का अपहरण करके ले उड़ा। अपहरण के बाद आकाश मार्ग से जाते समय पक्षीराज जटायु के रोकने पर रावण ने उसके पंख काट दिए। रावण ने सीता को लंका नगरी के अशोक वाटिका में रखा और त्रिजटा के नेतृत्व में कुछ राक्षसियों को उसकी देखरेख का भार दिया। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि रावण कहता है कि जब मैं भूलवश अपनी पुत्री से प्रणय की इच्छा करूं, तब वही मेरी मृत्यु का कारण बने। रावण के इस कथन से ज्ञात होता है कि सीता रावण की पुत्री थी। अद्भुत रामायण में उल्लेख है कि ग्रत इस्मद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्र उच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गया हुआ था, तब रावण इनकी कुटिया में आया और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि यह तेज विष है, इसे छुपाकर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गया हुआ था, तब मौका देखकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लज्जा के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई जहां से जनक ने उसे प्राप्त किया। सीता जी के संबंध में एक कथा वेदवती नाम की स्त्री से संबंधित है। वेदवती से जुड़ी कहानी हम पहले बता चुके हैं। त्रिजटा नाम की राक्षसी को रावण ने सीता की रक्षा के लिए अशोक वाटिका में राक्षसनियों की हेड बनाकर रखा था। सभी राक्षसियां सीता माता को डराती रहती थीं और रावण से विवाह करने के लिए उकसाती रहती थीं। लेकिन त्रिजटा धर्म को जानने वाली और प्रिय वचन बोलने वाली थी। त्रिजटा ने सीता को सांत्वना देते हुए कहा कि सखी, तुम चिंता मत करो, यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है जिसका नाम अविंध्य है। उसने तुमसे कहने के लिए यह संदेश दिया है कि तुम्हारे स्वामी भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। वे अत्यंत शक्तिशाली वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता करके तुम्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिजटा ने सीता जी को एक राज की बात और बताई, यह कि तुम्हें रावण से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी अप्सरा रंभा को काम वासना से छुआ था। तो रंभा ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि वह किसी पराई स्त्री के साथ उसकी इच्छा के बिना संबंध नहीं बना पाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो भस्म हो जाएगा। अन्य जगहों पर उल्लेख मिलता है कि रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उसे यह श्राप दिया था। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण अक्सर उपहास उड़ाया करता था। इसी साप के भय से रावण ने सीता हरण के बाद सीता को छुआ तक नहीं था। नंबर 10। जिस वन में बिताया था भगवान राम ने वनवास, आखिर वह कैसा था? चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। इस वन में उन्होंने अपने जीवन के लगभग 12 वर्ष से अधिक का समय बिताया था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल हैं। दरअसल ओडिशा की महानदी के इस पार से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। कहा जाता है कि श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में अग्रे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। यह क्षेत्र भारत के
सबसे घने जंगलों का क्षेत्र था, परंतु अब सुंदरवन के क्षेत्र ही घने बचे हैं। रामायण के अनुसार उस काल में यह वन विंध्याचल से कृष्णा नदी के कांठे तक विस्तृत था। इसकी पश्चिमी सीमा पर विदर्भ और पूर्वी सीमा पर कलिंग की स्थिति थी। यह पूर्वी मध्य भारत का क्षेत्र है जो लगभग 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें पश्चिम में अभूजमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक लगभग 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 480 किलोमीटर का माना जाता है। क्षेत्र का कुछ भाग रेतीला समतलीय है और जिसकी ढलान उत्तर से दक्षिण पश्चिम की तरफ है, जिसमें वनों से लदे पठार और पहाड़ियां हैं जो पूर्व दिशा से अचानक उभरती हैं तथा पश्चिम की ओर धीरे धीरे इनकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यहाँ कई मैदानी क्षेत्र भी हैं। इस क्षेत्र की मुख्य नदी महानदी और गोदावरी है। महानदी की सहायक नदियाँ तेलजोंक, उदंती, हट्टी एवं सांदुल हैं, जबकि गोदावरी की सहायक नदियों में इंद्रावती और साबरी प्रमुख हैं। बहुत से हिस्से नर्मदा घाटी से भी मिलते हैं। इस वन में कई बड़ी और छोटी पहाड़ियाँ थीं और सैकड़ों नदियाँ उस काल में बहती थीं। रामायण के अनुसार इस जंगल में बहुतायात में राक्षस, असुर और खतरनाक जंगली पशु निवास करते थे। विंध्य पर्वत पर आ जाने के लिए या चित्रकूट की ओर जाने के लिए कई लोगों और ऋषि मुनियों को यह खतरनाक जंगल पार करना होता था। इस दौरान उनका सामना जंगली पशुओं के साथ ही खतरनाक राक्षसों से भी होता था। इस वन में उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहां के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसलिए जिंदा हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जय सनातन धर्म, जय श्री राम। धन्यवाद।